सिग्नेचर क्या बताता है? बेसिकली आपकी आइडेंटिटी, आपका एग्जिस्टेंस, क्योंकि आपको याद है मैंने पास्ट में क्या बताया था, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली है ना, सिक्योरिटी, ये सब आता है, तो बेसिस ऑफ योर एग्जिस्टेंस हो गया वो, है ना, आपका कल्चर वल्चर सब आ जाता है ना आपके उसमें पास्ट में। फिर आपकी पर्सनैलिटी का मिरर है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप नाराज हो रहे हो, आप ज्यादा गुस्से में रहते हो, तो वो भी सिग्नेचर बता देगा कि ये बंदा बहुत गुस्से में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, तो आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस भी हो जाता है इससे। फिर आप किस सबकॉन्शियस स्टेट में हो, ऑलरेडी आपके माइंड में कैसे सबकॉन्शियसली कुछ पैटर्न्स फिक्स हो चुके हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हमारा कोई भी एक लेटर है, जैसे आप लोगों के नाम का फर्स्ट लेटर, अभी अगर मैं आपको लिखने को बोलूंगी तो एक पैटर्न है उसको लिखने, है ना, आप अगर आंख बंद करके भी लिखोगे तो आप वैसे ही लिखोगे, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है, ये सबकॉन्शियस स्टेट में जो आपके पैटर्न्स फिक्स होते हैं वो उतर के आते, आप सोच कैसे रहे, ये तो हो गया सबकॉन्शियस पैटर्न जो फिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस का क्या मतलब है, अभी एट प्रेजेंट जो आपका थॉट है ना, और अभी अगर आप जो भी लिखोगे तो वो जो थॉट है वो इमिजिएटली इस पे आ रहा है, वो प्रेजेंट है, ओके। फिर है आपकी ग्रोथ। ग्रोथ किन किन एस्पेक्ट्स पे होती है ये हमने अभी देखा ही है, फिर भी बता देती हूँ। हेल्थ है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, और आपका सोशल सर्कल है, या सोशल हाउ यू आर लिविंग इन सोसाइटी बेसिकली, ठीक है। इस पे मैं अपनी तरफ से एक बात और बोलना चाहूंगी, हमारी हेल्थ कब डिटोरिएट होती है, या हमारी हेल्थ के ऊपर कब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, कभी किसी ने एनालाइज किया है लाइफ में? मैं इसको रिलेशन चेंज करती हूँ, रिलेशनशिप कनेक्टेड है मैं वेलकम। यस मैम द फर्स्ट थिंग इज योर रिलेशनशिप, जिनके साथ रहते हैं रिलेशन खराब। सो इसका सीक्वेंस ऐसे होता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, ओके, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपकी हेल्थ के ऊपर असर आए, क्योंकि वहां पर आप सबसे पहले इमोशनली डाउन हो, और जहां इंसान इमोशनली डाउन होता है तो इमोशनली डाउन होने का सबसे पहला स्टेज क्या होगा, आपकी भूख बंद होना, आपका रोना, आपका डिप्रेशन में जाना, फिर उसके बाद आता है सेल्फ सेबोटैज, ठीक है, अपने आप को एक तरह से आप बंद कर लेते, फिर आपको लगता है दुनिया है ही नहीं आपके लिए, ये सारे मतलब एक तरह से आप ये मानो कि ये सारी चीजें रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो रिलेशनशिप्स हो, और उसमें फिर आ जाती है एक रिलेशनशिप जो हमारी खुद से होती है, जिसके ऊपर सबसे पहले हम सेबोटैज करते हैं, राइट, करते हैं नहीं करते यार मुझे।